का लॉन्चिंग है और 3:30 बजे हम लोग डिटेल्स बताएंगे कि पार्टी का क्या नीति सिद्धांत रहेगा। अभी तत्काल पूरे बिहार के पैमाने पर आज हम लोग यहां धरना दे रहे हैं और ख़ास तौर से मेरा कहना है कि सवर्ण समाज का जनसंख्या पूरे देश में 10% है और सरकार ने उनको 10% आरक्षण दे दिया, यानी 7% सवर्ण समाज को आरक्षण मिल गया। लेकिन हमारा 52% पिछड़ी जात का पॉपुलेशन है, मात्र 27% आरक्षण मिला है। ये बिल्कुल भारत सरकार और बिहार सरकार पिछड़ी जाति को उल्लू बनाने का काम किया है। इसलिए हमारी लड़ाई आज से शुरू है 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने का। नंबर दो कि जो मुसलमानों का स्थिति है, पहले मुसलमान शासक था लेकिन आज मुसलमान, ये हमारे पितामह सही जगदेव प्रसाद ने भी कहा था और सच्चर समिति में रिकमेंडेशन है कि मुसलमानों की स्थिति बैकवर्ड दलित से भी बदतर हो गया है। इसलिए सच्चर कमेटी को पुरुष से लागू करने के लिए, और तीसरा हम लोग का है कि न्यायालय में कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि जो 90% बैकवर्ड दलित हरिजन आदिवासी हैं वो मात्र 2% सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। ये डेमोक्रेसी है, उनका हक मारा जा रहा है। और ड्यू टू कोलेजियम सिस्टम ऊंची जात के भी कितनों तेज तरार आदमी होगा लेकिन जज नहीं बनता है, क्यों? कोलेजियम सिस्टम में पिक एंड चूज होता है। इसलिए ये लड़ाई को हम लोग पूरे बिहार और देश के पैमाने पर लड़ेंगे। आपकी पूरी लड़ाई बैकवर्ड समाज के लिए है जी? आपकी पूरी लड़ाई बैकवर्ड समाज? अरे नहीं यार, बैकवर्ड के लिए, मुसलमान के लिए, दलित के लिए, सवर्ण के लिए, आम जनता की लड़ाई हमारा है। किसी कास्ट को छोड़ के नहीं, सब कास्ट को लेके चलेंगे। लेकिन जो मुसलमान और बैकवर्ड दलित के साथ नाइंसाफी हुआ है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। दलित कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं, दलित कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं, पहला ही दिन दलितों के लिए हम लड़ेंगे। दलित का नहीं बोल रहे हैं, बैकवर्ड के लिए, मुसलमान के लिए, दलित के लिए और सवर्ण समाज के लिए। सवर्ण समाज के भी नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए, भ्रष्टाचार दूर करने में उनकी भूमिका नहीं है क्या? पहला क्वेश्चन कि डबल इंजन की सरकार वादा करके मुकर गई नौकरी के नाम पे। विपक्ष का कहना था कि सरकार में हम आएंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन सारे दावे बने हुए रहे, अभी भी निर्दर्शक बने हुए हैं। आप लोग के कुछ ऐसे समर्थक भी हैं, उनके लिए क्या कुछ खास होगा? बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? ये हमें 3:30 बजे डिटेल्स बताएंगे पार्टी का। 3:30 बजे आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वही हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। बहुत